हाय फ्रेंड्स, मैं प्रियंका। मैं फिर से आई हूँ एक बेयूज़ की वीडियो के साथ। एक पॉइंट है जो बार बार आता है और बहुत बार आता है, तो सोचा कि चलो आज इसको क्लियर करते हैं। तो इन मोहतरमा का कहना है कि मेरी कौन सी खदान है, मैं कहीं से उठाती हूँ और सेल करती हूँ, मैं एक रीसेलर भाई देखो मुझे दुनिया का तो पता नहीं, बट मैं एक सेलर हूँ, ठीक है। बाकी लेकिन मैं आपको इससे रिलेटेड बता सकती हूँ। तो बेवकूफ़ ज़्यादा पढ़ी ली है शायद तू, ठीक है, थोड़ी कम पढ़ती ना तो तू सच में होशियार होती, तेरी कसम, मजाक नहीं कर रही बिल्कुल भी। क्या होता है ना कि पहले एक मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर के बाद होलसेलर होता है, होलसेलर के बाद एक सेलर होता है, और सेलर के बाद एक रीसेलर होता है, ठीक है। तो तेरा हस्बैंड जो शॉप खोल के बैठा है वॉट एवर किसी भी प्रोडक्ट का, चल हम उसको परचुनी समझ लेते हैं, ठीक है, हमें पता नहीं है वो क्या सेल करता है लेकिन हम एक परचुनी समझ लेते हैं। तो अब उसने अपनी दुकान में पार्ले भी रखा, मोनेको भी रखा, गुड्डे भी रखा, दाल भी रखा, चावल भी रखा, ठीक है, पोहा भी रखा। अब जे बता कि तेरे हस्बैंड की काय काय की फैक्ट्री है, पार्ले भी तेरे फैक्ट्री में बन रहा होगा, मोनेको भी, गुड्डे भी, दाल भी, चावल भी, सब तेरी फैक्ट्रियां होंगी हर चीज की, और फिर तू बेच रही होगी, है ना बेवकूफ, वो भी किसी होलसेलर से उठा रहा होगा, समझी। जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से लेते हैं वो होलसेलर होते हैं, ठीक है, और तेरा हस्बैंड होलसेलर से उठाता है, ग्वालियर में कोई मैन्युफैक्चर ना है, समझ गई। और जो हैं वो मालनपुर पे हैं, और मालनपुर पे काय काय की फैक्ट्री है, वो तू तो जानती ही होगी, घूमी है ना तू तो बहुत ज़्यादा, ग्वालियर बता रही थी एक बार तू एक लाइन में कि तू बहुत घूमी है। तो उस बेचारे ने उठाया होलसेलर से, है ना, और पता है होलसेलर के बाद भी कई ऐसे लोग हैं जो सेकेंड होलसेलर हैं, मतलब होलसेलर से बाय करके खुद भी होलसेलर है। तो अब हमें क्या पता कि तेरा हस्बैंड कहाँ से उठा रहा है, होलसेलर से उठा रहा है कि सेकंड होलसेलर से उठा रहा है और फिर रीसेलिंग कर रहा है, हैं? जो लोग गली कूचे में दुकान खोल के बैठे हैं उसको बोलते हैं रीसेलिंग, प्रोडक्ट उठा के रीसेल करना, ठीक है। रीसेलिंग भी दो तरह की होती है, सेलिंग भी दो तरह की होती है। मेन पॉइंट होता है मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर से होलसेलर, होलसेलर से सेलर, और फिर रिटेलर, ठीक है बहन। थोड़ी लंबी प्रोसेस है, समझने में वक्त लगेगा और ये लगेगा, और ना मेरे पास समय है कि मैं तेरे को इतना समझा पाऊँ, और तेरे पास ये नहीं है कि तू समझ पाए। तो दोनों सिचुएशन में एक ही काम हो सकता है कि तू अपने पति के पास जा और उससे ये पूछ कि भाई तू ये माल कहाँ से उठाता है, कहाँ से उठा रहा है। अगर तू होलसेल से उठा रहा है तो तू रीसेल कर रहा है, तू गुनाह कर रहा है, ये तेरा हक नहीं है, ये तेरा अधिकार नहीं है कि तू कहीं से प्रोडक्ट उठा के बेचे। चल मैन्युफैक्चर बन, चल पार्ले की फैक्ट्री खोल, चल नमकीन की फैक्ट्री बना, पोहे की बना, फलान की बना, ढिमके की बना, बना तू सबकी फैक्ट्री। वो जो नीचे नहीं यार, हम रीसेलर नहीं है, सेलर नहीं है, कुछ भी है, तेरे बाप का क्या लेते हैं, मैं तो वही समझ में नहीं आता, किसी के बाप का हम क्या ले रहे, किसी से कुछ बोल नहीं रहे, कुछ कह नहीं रहे, अपने मेहनत कर रहे, तू तो हमारे घर आना रही पार्सल पैक करने के लिए, तू तो हमारा पैसा हमें देने आ नहीं रही, हम ही तो मेहनत कर रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रात दिन काम करते हैं, हैं? तुझे तो बोलते नहीं कि तू आ जा और तू कर जा, फिर तेरी क्यों किलस्ती रहती है, हमें तो वही समझ में नहीं आई आज तक। ऐसे ना बहुत सारे हैं वीडियोस शॉर्ट्स जो आए हैं, बट मैं, मेरे पास इतना ही टाइम है, मैं लिटरली बहुत बिजी हूँ, तो फिर कभी चर्चा करेंगे। बट बेवकूफ़ औरत पागल टीचर, प्रूफ दे देना कि वो जो आप बोल रहे हो वो मैं हूँ, और वो उसका मैन्युफैक्चर वाला भी, और तुम्हारे हस्बैंड का रीसेलिंग एंड होलसेल एंड मैन्युफैक्चर जो भी है वो भी, डॉक्यूमेंट्स लीगली आप क्या क्या करते हैं अपनी शॉप के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स ऑन कम्युनिटी। सो डन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, बाय बाय पागल टीचर।